एंटीक पीस को देखने के लिए दूर दूर से शहर से लोग आए हैं। ये देखिए ऋतिक भी देखना चाह रहा है, उसका कवर नहीं खुल रहा है, तलवार है वो पुराने जमाने की, बूबू के जमाने नहीं खुल रहा है। अब बसंती अपना ताकत आजमाएगी, उसमें खोल पाएंगी। बहुत ही भयंकर है वो, बहुत ही पुरानी जमाने की तलवार है। तो लड्डू उठा भी नहीं पा रहा है उसको, उठा पा रहा हूं। कैसे उठा पा रहा है, बहुत भारी है वो। हम सबने ले ली है बारिश के मजे, मैं तो बिल्कुल ठंडी गई हूँ। बसंती वहाँ पे बारिश के मजे ले रही है, ये मैडम कहाँ छोड़ के खड़ी है और मस्त वाली बारिश हो रही है, गरम गरम पानी गिर रहा है। हाय सब बारिश के मजे ले रहे हैं, मजा आया बसंती। कैसे हैं आप लोग, आई होप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। और यह सुबह सुबह मॉर्निंग का नज़ारा हमारी घर की बालकनी से दिखाती हूँ मैं नीचे से आपको। ये है हमारे घर की बालकनी, यहाँ से इतना लंबा सबसे बड़ा मकान है यहाँ। मैं पहले जो बोलते थे ठुल घर, सो गाइस मॉर्निंग का व्यू है कुछ ऐसा। और आमों में बिल्कुल एकदम से मस्त वाला फल आ रखा है। तो मैं जस्ट अभी उठी हूँ, हाथ मुँह धो रखा है और नाक थोड़ी बंद हो गई है फिर से। मैं ताऊजी की बकरियाँ दिखा देती हूँ। ये सबसे बड़ा बकरा है ताऊजी का, फिर उसके बाद वो वाला, उसके बाद ये वाला है, फिर ये वाला है, फिर ये दोनों हैं। और अभी हम जाएंगे नीचे तो अपने सबसे बड़े बकरे से मिलाएंगे। और हम जा रहे हैं जहाँ बसंती सोई है, उस बाखली के अंदर कमरे ही कमरे हैं। मैडम यहाँ बिल्कुल पसरी है, मुझे तो रात भर नींद भी नहीं आई। सो गाइस ये देखिए बसंती के कमरे में भगवान ही भगवान की फ़ोटो है, ज़रा सदबुद्धि आती है इसको तो। साल हो गया उनको, इन्होंने मौका भगाते थे। सो गाइस इनमें अनाज रखा जाता है, कीड़ा कीड़ों ना लगने को इन्होंने रख दिया। ये देखिए लकड़ी के होते हैं ये, पता नहीं कौन सी लकड़ी के बने होते हैं। मुझे तो रात भर नींद नहीं आई जगह चेंज होने की वजह से, बसंती को सोता हुआ देख मुझे भी नींद आ रही है। सो गाइस सारे बच्चे और मैं यहाँ नीचे पेड़ की छांव में बैठे हैं, तो मैंने सोचा मैं देख लेती हूँ अपनी शादी का एल्बम, थोड़ी पुरानी यादें ताज़ा कर लेती हूँ। ये हमारी सही है हमारी शादी का एल्बम। मामी पिना कड़े हो रहे जड़ जाए। सो गाइस यहाँ पे चल रही है हल्दी, पिनालू एंड मक्की की गुड़ाई चल रही है यहाँ पे। आज बारिश रुकी है तो यहाँ गुड़ाई कर रहे हैं सभी लोग। तो सो गाइस बज गए हैं 11, मैं दिखा देती हूँ हमारे घर के आगे से कौन कौन गांव दिखते हैं। वहाँ बारमो है, वो धुरचू, पंतरा, लोछड़ा, पुगौर, मणमाने, यहाँ से सारे गांव दिखते हैं यहाँ से। बहुत ही अच्छा है, मैं टॉप में जाके दिखाऊंगी आपको शाम को। वहाँ हो रही है बारिश, हम कर रहे हैं भीगने के लिए उस बारिश का वेट। ये सभी लोग बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ आई है धूप। सो गाइस यहाँ के अजब सी हालत हो गई है, बच्चों के साथ बोलते बोलते ऐसे हाल हो गए हैं मुझे। ये उसको पता नहीं क्या हो गया, क्या हो गया तुझे? मैं तो थक गई हूँ, मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है, मुझे मैं रात को भी नहीं सोई। तो हम गए हैं बागली के अंदर अभी बसंती के यहाँ, मैं थोड़ी देर नहा लेती हूँ, काफी गर्म हो रहा है। बारिश आई थी भीगने गई थी, बारिश आते में ही खत्म हो गई। जा गई है बारिश, यहाँ बारिश हो गई शुरू, अब मैं जा रही हूँ बारिश में भीगने। अब बारिश हो रही है तेज तेज, भीग गए हैं हम लोग बारिश में, बारिश का मजे ले लिए, अब जाते हैं नहाने को, ठंडा हो रहा है। हम सबने ले ली है बारिश के मजे, मैं तो बिल्कुल ठंडी गई हूँ। बसंती वहाँ पे बारिश के मजे ले रही है, ये मैडम कहाँ छोड़ के खड़ी है और मस्त वाली बारिश हो रही है, गरम गरम पानी गिर रहा है। हाय सब बारिश के मजे ले रहे हैं, मजा आया बसंती। गाइस हमारा जाने का प्लान था ऊपर वहाँ टॉप में, तो बारिश रुकी नहीं है, अभी भी हल्की बारिश हो रही है, तो हम लोग नहीं गए ऊपर।
आज बारिश की वजह से घर ही हैं आज हम लोग, तो कल सुबह तो मैं वापस आ जाऊंगी पिथौरागढ़ को। सो अभी चल रहा है हमारा खाने पीने का प्रोग्राम, और बच्चों का यहाँ पे अलग ही आतंक चल रहा है उधर पे। और उस साइड का व्यू दिखा देती हूँ मैं बारिश के बाद कैसा हो रहा है मौसम। ये देखिए गाइस उधर का व्यू हो रहा है कुछ ऐसा, अभी भी बारिश हो रही है तो मौसम साफ नहीं है एकदम से। और इधर पे बड़े बड़े करेले की बेलें हो रही है, और देखिए छोटे वाले केले होते हैं जिनमें एक अलग ही खुशबू आती है, वो केले के कितने वो आ रखे हैं देखो इस साइड, इधर भी आ रखे हैं जो पेड़ से ढके हुए हैं। ओ गाइस ये है अंग्रेजों के ज़माने की तलवार, हमारे बूबू लेके आए थे बोल जब लड़ाई लगी थी, तो ये वाली तलवार लेके आए थे बोल, मैं दिखाती हूँ आपको, बहुत पुरानी हो गई है ये ना। सो लड्डू उठा भी नहीं पा रहा है उसको, उठा पा रहा हूँ। कैसे उठा पा रहा है, बहुत भारी है वो। अभी ट्राई कर रहे हैं एक एक बार उठाने की, दिखा मैं खोल के दिखाती हूँ आप। निकल तो नहीं रही है, बहुत भारी है। सो गाइस ये खुल नहीं रही है, बहुत टाइट से डाला है इसको अंदर, ये खुल नहीं रही है। कैसे नहीं खुल रही है, ये खुलती नहीं है, बहुत टाइट है। मैं खोल दूँ? नहीं खोल देता हूँ, खोल दूंगा। ये इसके अंदर जाम हो गई है। सो गाइस ये खुल नहीं रही है, मैंने मुझे हटो 12:30। सो गाइस इसका ये खुल नहीं रहा है, बहुत टाइट है ये। नहीं खुलेगा, अभी मामा आएगा, मामा से खुलवाएंगे। सो गाइस ये खुल नहीं रहा है, बॉबी आएगा उसके बाद हम इसको खुलवाएंगे। ये बहुत पुराना है, बहुत पुराना, बहुत पुराना, तो इसको किसी ने निकाला नहीं है, खोला नहीं है, तो इसका कवर नहीं खुल रहा है। ये लगता है कि अंदर ही वो हो गया, इसको पूरा कवर ही तोड़ना पड़ेगा, नया कवर चढ़ाना पड़ेगा। ये देखिए कवर भी पूरा वो हो गया है, अरे खुल नहीं रहा कह रही हूँ, कहाँ दो बंद कर दे बस। तो गाइस इस एंटीक पीस को देखने के लिए दूर दूर से शहर से लोग आए हैं, ये देखिए ऋतिक भी देखना चाह रहा है, उसका कवर नहीं खुल रहा है, बहुत टाइट है, तलवार है वो पुराने जमाने की, बूबू के जमाने, नहीं खुल रहा है वो। अब बसंती अपना ताकत आजमाएगी उसमें, खोल पाएंगी, बहुत ही भयंकर है वो, बहुत ही पुराने जमाने की तलवार है। अच्छा तो गाइस बसंती जा रही है वर्ल्ड वॉर करने तलवार लेके, ये देखो कौन लड़ सकता है। हमारे बूबू की तलवार है, जब 1947 में पता नहीं कहाँ कहाँ लड़ाई हुई थी बस, तो बूबू लेके भागे थे बोली इसको, तो बूबू के हाथ में यही पे था, पत्थर मत मार अपने दीवाने को, बम से उड़ा दो साला, बम का जमाना है, पत्थर मत मार, गली गली तेरी लाश चली जी, अरे बाहुबली। सो गाइस अभी मजे ले रहे हैं, सो गाइस बहुत ही भारी है, बहुत भारी है। इसको मैं ले जाऊंगी पिथौरागढ़, नहीं काटते का, नहीं काटते बेटा, सब अपनी ताकत आजमा रही है। तीसरे महारथी आ गए हैं, लगता है बाहुबली को आना पड़ेगा, उसके बाद ही ये कवर से निकलेगा। कटप्पा छटप्पा कुछ नहीं निकाल पा रहे, ये कटप्पा थी और बस। तो गाइस आज का दिन भी बाखली में हमारा ऐसे ही निकल गया, तो पूरा दिन बच्चों के साथ हल्ला चिल्लम चिल्ली, इससे ब्लड प्रेशर डाउन हो गया, बसंती का भी हो गया था, थोड़ी देर सो के उठी मैं जस्ट थोड़ी देर पहले, तो अब हो रही है खाने की तैयारी। सो गाइस आप उसका ब्लॉग यही समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। फोटो खींच देते, फोटो खींच दो, तब तक बाय बाय तो बोल दे फिर, बाय बाय, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय गाइस, ऐसी खूबसूरती यहीं मिलेगी।